कोविड के केस और कोविड मृत्यु की खबरें छप रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने प्रोएक्टिव, प्रीएम्प्टिव, हॉल ऑफ गवर्नमेंट एंड हॉल ऑफ सोसाइटी अप्रोच के साथ शुरू से ही कोविड 19 महामारी का मैनेजमेंट किया है और इनके बहुत अच्छे परिणाम भी हमें मिले हैं। तकनीकी सहायता के अलावा भारत सरकार ने नेशनल हेल्थ मिशन, राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष, इमरजेंसी कोविड रिस्पांस पैकेज और प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन इत्यादि से राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों को कोविड के खिलाफ लड़ाई के उनके प्रयासों में लगातार सहायता प्रदान की है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने साथ मिलकर 220.2 करोड़ कोविड वैक्सीन के टीके लगाकर कीर्तिमान रचा है, जिसमें पात्रता वाले 90% आबादी को दोनों टीके लग चुके हैं और 22.35 करोड़ आबादी को प्रिकॉशन डोज भी दिया जा चुका है। कोविड 19 के नियमन में चल रहे लगातार प्रयत्नों के अंतर्गत और विश्व में बढ़ रहे कोविड के केसों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय वैश्विक स्थिति पर नजर रख रहा है। कोविड 19 के बदलते वेरिएंट से सार्वजनिक स्वास्थ्य के सामने जो चुनौतियां पैदा हो रही है उस पर सरकार सतत कदम उठा रही है। राज्यों को भी स्थानीय स्तर पर सामुदायिक निगरानी बढ़ाने के लिए और कोविड को नियंत्रित करने के लिए सलाह दी जा रही है। राज्यों को जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाकर सभी पॉजिटिव केसों का जीनोम सीक्वेंसिंग करने की सलाह दी गई है, जिससे अगर देश में कोई नया वेरिएंट आता है तो समय से उनकी पहचान कर सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए कदम उठाया जा सके। आने वाले त्योहार और नए साल को ध्यान में रखते हुए राज्यों को सतर्क रहकर लोगों का मास्क पहनना, हैंड सैनिटाइज करना, रिस्पायरेटरी हाइजीन का ख्याल रखना और सामाजिक दूरी बनाए रखने की जागरूकता लानी चाहिए। राज्यों को कोविड वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज बढ़ाने पर और लोगों को प्रिकॉशन डोज की अहमियत के प्रति जागरूकता लाने के लिए भी कदम उठाने चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर विदेश से आने वाले हवाई यात्रियों के 2% कोविड आरटीपीसीआर रैंडम सैंपलिंग पिक की जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के समर्थ नेतृत्व में भारत पहले से ही अमल में टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, वैक्सीन, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन नीति के साथ कोविड मैनेजमेंट कर रही है, उसे आगे भी हम चालू रखेंगे। इस वैश्विक महामारी के नियमन नियंत्रण के लिए हम संकल्पित है और इसके लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। मैं सदन के सभी सदस्यों से सरकार के इन प्रयासों में सहयोग चाहता हूं। सभी माननीय सदस्य लोगों के बीच में जागरूकता लाए कि वैश्विक महामारी अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है और हमें कोविड वैक्सीन का प्रिकॉशन डोज लगाने के उपरांत सभी को सतर्क रहकर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। हमारे दुश्मन कोविड वायरस समय समय पर अपना स्वरूप बदल रहा है और हमें एक साथ मिलकर दृढ़ संकल्प के साथ उसके खिलाफ अपनी सामूहिक लड़ाई जारी रखने की लगातार जरूरत है। धन्यवाद।